उसकी वजह भी आप समझ लीजिए मेरे प्यारे साथियों। आपके सीमांचल में बहुत आता हूँ, मैंने महसूस किया है आपके सीमांचल में अक्सर मस्जिदों में औरतों का इंतजाम नहीं है, औरतों का इंतजाम नहीं है, बल्कि बहुत सारे इलाकों में गांव में ईद की नमाज में, ईद उल अजहा की नमाज में भी औरतों का इंतजाम नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं कि साहब हम अहले हदीस हैं। अरे काहे के अहले हदीस, अगर अहले हदीस होते मेरे नबी ने बड़े साफ अल्फाज में फरमाया कि ईद की नमाज में और ईद उल अजहा की नमाज में औरतों को लेके जाया करो। यहाँ तक पूछा गया अल्लाह के नबी अगर किसी औरत के पास चादर न हो, आपने फरमाया दूसरे की चादर लेके जाए मगर जाए। यहाँ तक आपने फरमाया अगर औरत नापाकी के आलम में अगर पीरियड से गुजर रही है तो पीरियड में भी वो जाएगी, मुसल्ले से दूर रहेगी, नमाज नहीं पढ़ेगी, मगर जब इमाम दुआ करेगा तो इमाम की दुआ में शामिल रहेगी। ओ सीमांचल के अहले हदीसों, तुमने कितना बड़ा जुल्म कर दिया अपनी औरतों के ऊपर, तुमने अपनी औरतों को ईदैन की नमाज के सवाब से महरूम करके रखा है। आज कितने गांव हैं जहां ईदैन की नमाज में अहले हदीसों के यहां औरतों का इंतजाम नहीं है। ठीक है, हमारे हनफी भाइयों के यहां उनके मौलवियों ने फतवा दे के रखा था कि अपनी औरतों को ईदगाह न लेके जाओ, अपनी औरतों को मस्जिद में न लेके जाओ, ये उनका फतवा था। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि आज हालात के बदलते धारे को देख करके हनफी उलमा का फतवा भी आना शुरू हो चुका है कि अगर मस्जिद में पर्दे का इंतजाम हो तो औरतें आ सकती हैं, मगर हम तो अहले हदीस थे मेरे भाई, हमने अपनी मस्जिदों को क्यों दीन से दूर रखा। मुझे कहने दीजिए, ये जलसे आपकी औरतों को दीनदार नहीं बनाता। जलसे आपके यहाँ एक रस्म है, एक रिवाज है, एक फैशन है, औरतें आती हैं, सहेलियों से मिलती हैं, रिश्तेदारों से मिलती हैं, मार्केट करती हैं, बाजार करती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, चली जाती हैं। जलसों में आकर के औरतें दीन नहीं सीखती। आपको अपनी मस्जिदों में औरतों का इंतजाम करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो जो अंजाम हम भुगत रहे हैं, अररिया के भी वाकयात हमारे सामने आ चुके हैं, कटिहार से भी वाकयात हमारे सामने आ चुके हैं। मुसलमान लड़कियां आज बड़ी तादाद में गैर मुस्लिमों के साथ फरार हो रही हैं, भाग रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। ये हालात क्यों हैं? क्योंकि हमारी और आपके घर की बहू बेटियों ने दीन को सीखा ही ना, दीन को जाना। अपनी मस्जिदों में जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम कराओ। अभी पाकुड़ के अंदर, पाकुड़ कह रहा हूं मैं, ये भागलपुर के आगे एक जगह पड़ती गोड्डा, गोड्डा में लालमटिया एक इलाका है, वहां पिछले साल एक मस्जिद में मैंने जुमा की नमाज पढ़ाई, और मैंने जुमा की नमाज में, वहां सब पैसे वाले लोग हैं, वहां कोयले की कान वगैरह है, मैंने बड़ी सख्ती से कहा अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, इतनी अच्छी मस्जिद आपने बनाई है, इसमें औरतों का इंतजाम क्यों नहीं करते आप। मैं तकरीर करके आया, और अभी ये जो परसों का जुमा दूसरा है, ये जुमा जब मैं वहां गया मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र है मैं देख के बाग बाग हो गया। उन लोगों ने बाकायदा, उन लोगों ने कहा शेख आप जुमा पढ़ा के गए, उसके अगले हफ्ते हम लोगों ने मीटिंग की, और हम लोगों ने हिम्मत करके कई लाख रुपया खर्च करके औरतों का अलग उसमें हिस्सा बनवाया, उनका अलग गेट बनवाया, उनका अलग वजू खाना बनवाया, उनका पूरा औरतों का इंतजाम कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहां जुमा की नमाज में औरतें आती हैं, और पूरी मस्जिद औरतों से भरी है। आपकी औरतें प्यासी हैं दीन की, और आप उनकी प्यास को नहीं बुझाते। आपकी औरतों को दीन की जरूरत है, और आप उनको दीन नहीं देते। ये साल में एक बार जलसा करा लेने से आपकी औरतें दीनदार नहीं हो जाएंगी मेरे भाई। जब आप जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम करेंगे, साल में 52 जुमा के खुतबे आएंगे, और 52 मरतबा जब आपके घर की औरतें मस्जिद में आएंगी और दीन की बातें सुनेंगी, उनके अंदर दीन का शऊर पैदा होगा, और उससे हालात बदलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, औरतों के दीन से दूर होने की वजह से बहुत सारे मसले पैदा हुए। जलसे में आ रही है बाकायदा बिंदी लगा करके, मेकअप लगा करके, सच करके, समर करके आ रही है। क्या आपने अपनी औरतों को वो हदीस नहीं सुनाई? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यक्बलुल्लाहु सलातम रातन ततत्तय्यबु लिहाज़ल मस्जिद।
जो आपने खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है उनकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। हत्ता तर्जिया को तकसीला गुस्लल जनाबा, जब तक कि वो औरत वापस जा करके दूसरे जनाबत न कर ले, वो गुस्ल न कर ले, जो नापाकी के आलम में किया जाता है वो गुस्ल करके अपने बदन से खुशबू का असर खत्म न कर दे, तब तक उस औरत की नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। आप अगर अपने घर की औरतों को यह हदीस सुनाए होते और आपने इसके मुताबिक अपने घर का माहौल बनाया होता, आज आपके घर की औरतें, हमारे और आपके घर की औरतें इस तरीके से खुशबू लगा करके जलसों और प्रोग्राम में। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने तो यहां तक फरमाया, आपने फरमाया तीन लोग ऐसे होंगे, ला यंजुरुल्लाहु अज़्जा वजल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा, कयामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे बातचीत भी नहीं करेगा, उनकी तरफ रहमत की नजर से देखेगा भी नहीं। कौन से तीन लोग होंगे? आपने फरमाया अल आबु लिवालिदैह, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, वल मरातुल मुतरजिला, और मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों के जैसा कपड़ा पहनने वाली, मर्दों के जैसा बाल रखने वाली, और नंबर तीन अद्दयूस अल्लज़ी यजरु फी अहलिल खुबुस, वो बेगैरत आदमी, वो बेहया आदमी जिसके घर की बहू बेटी बेगैरती का काम करती हो और उसको कोई फर्क न पड़ता हो, उस बेगैरत की तरफ भी अल्लाह ताला कयामत के दिन नहीं देखेगा। आज बाप बेगैरत बन गया, शौहर बेगैरत बन गया, शौहर अपनी बीवी को बेपर्दा घुमा रहा है कटिहार और पूर्णिया के मार्केटों में और शॉपिंग मॉल में घुमा रहा है, शौहर बेगैरत हो चुका है, बाप बेगैरत हो चुका है, और बेगैरत की तरफ कयामत में अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं। और औरतों की बात जब आई है तो वो हदीस भी आपको सुना, बेपर्दा औरतें और ऐसा कपड़ा पहनने वाली औरतें जिस कपड़े से उनका शरीर दिखता हो, उनका बदन झलकता हो, ऐसी औरतों का अंजाम क्या होगा? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया वनिसाउन दासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। अब अल्लाह के रसूल के अल्फाज पर कुर्बान जाओ कि नबी ने बड़े मुख्तसर अल्फाज में नक्शा खींच दिया कि कपड़ा तो पहने होंगी मगर कपड़ा ऐसा होगा उनका शरीर झलकेगा, कपड़ा इतना टाइट होगा कि उनके बदन के आज़ा जाहिर हो रहे होंगे। और आज अफसोस की बात है, ऐसी साड़ियां और ऐसे कपड़े और ऐसी शलवार सभी और ऐसे फ्रॉक और ऐसे गाउन आज मुसलमान लड़कियां पहन रही है जो बिल्कुल निट के और ट्रांसपेरेंट है, मुसलमान के घरानों में पहने जा रहे हैं। और आज हालात ये है मेरे भाइयों, नबी ने फरमाया कि ऐसी बेहया औरतें रुउसुहुन्न कअस्नमतिल मुख्तिलमाइला, उनका हेयर स्टाइल, उनके बालों का स्टाइल कैसा होगा? बुख्ती ऊंट के कुहान की तरह होगा। और ऐसी औरतें मुमीलातुल माइला, जब ये रास्ते में चलेंगी इनकी चाल का अंदाज भी बेहया औरतों की तरह होगा। बेहया औरत की चाल अलग होती है और हया वाली औरत की चाल अलग होती है, चलने का अंदाज बता देता है ये औरत हया वाली है कि बेहया औरत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये बेपर्दा औरतें जब चलेंगी इनके चलने का अंदाज बड़ा बदकारी हरकार औरतों की तरह होगा, और ये गैर मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, आकर्षित करेंगी, खींचेंगी। आपने फरमाया ला यदखुलनल जन्नत, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। आज हमारी औरतों के दीन से दूर होने की वजह से भी मेरे प्यारे साथियों हम दीन से दूर। ये एक सवाल आया है, जुमा की अजान कितनी मरतबा होनी चाहिए? वजाहत के साथ बहुत मशहूर मसला है, कहीं कहीं अहले हदीस मस्जिदों में दो अजान आती हो रही है जो कि सही नहीं है। भाई हम अहले हदीस हैं तो हमें मुकम्मल अहले हदीस होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि हमारे बाप दादा करते चले आए, हमारे पिछले उलमा को क्या पता नहीं था, तो भाई तो फिर आप में और दूसरों में क्या फर्क है? जब हमारे सामने अल्लाह के प्यारे नबी की वाज़े हदीस मौजूद है कि नबी के दौर में एक अजान होती थी जुमा, अबू बकर सिद्दीक के दौर में एक अजान होती थी, उमर फारूक के दौर में एक अजान होती थी, हजरत उस्मान गनी के दौर में दो अजान शुरू थी, और वो दूसरी अजान भी मस्जिद में ही होती थी, मार्केट में होती थी। क्यों? लाउड स्पीकर का जमाना नहीं था, आबादी बढ़ चुकी थी मदीना की, लोगों को टाइम का पता नहीं चलता था, कारोबार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, तो एक अजान हजरत उस्मान गनी ने अपने दौर में ज़ौरा नाम के मकाम पर मदीना के मार्केट में देने का हुक्म दिया। आज लाउड स्पीकर का दौर है, टाइम सबको पता है, आज कोई जरूरत नहीं है कि हम जो है इस तरीके का इंतजाम करें, लिहाजा एक अजान काफी है, जुमा के दिन एक अजान होना चाहिए। खुतबे जुमा कितनी देर होना चाहिए इसकी कोई पाबंदी
हदीसों से तो नहीं मालूम होती है, अलबत्ता एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदमी के अकलमंद होने की निशानी यह है कि उसकी नमाज लंबी हो और उसका खुतबा मुख्तसर। इससे ये पता चलता है कि खुतबा जुमा जो है बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, कहीं कहीं एक एक घंटे का खुतबा जुमा होता है जो कि मुनासिब नहीं है, आधा घंटे का 25 मिनट का बिल्कुल मुनासिब है हो जाए। और यहाँ इस हदीस का यह मतलब नहीं है कि जुमा की नमाज लंबी हो और जुमा का खुतबा उस नमाज से हल्का हो, बल्कि मतलब यह है कि जुमा का खुतबा आम खुतबों से थोड़ा बड़ा हो, जुमा का खुतबा आम खुतबों से आम तकरीरों से कम हो और जुमा की नमाज आम नमाजों से थोड़ी बड़ी हो, इसका यह मतलब है। तो 20-25 मिनट का अगर खुतबा होता है तो इंशाल्लाह वो बेहतर है, बहुत लंबा खुतबा देना मुनासिब नहीं। क्या मिंबर पर सिर्फ खुतबे मसनूना पढ़ करके नमाज के लिए खड़ा होना मुनासिब है, यानी उर्दू में कोई खिताब ना? देखिए ये भी बड़ा मसला है, हमारे हनफी भाइयों के यहाँ वो उर्दू में तकरीर अलग होती है, मिंबर से नीचे होती है, मिंबर पर सिर्फ अरबी में खुतबा होता है। अच्छा ये अजीब बात है कि इमाम अबू हनीफा का फतवा है कि नमाज में अगर किसी को अरबी ना आती हो तो उर्दू में कुरान पढ़ सकता है, फारसी में पढ़ सकता है, नमाज में तो कुरान उर्दू में फारसी में पढ़ सकता है मगर मिंबर पर जो खुतबा है वो उर्दू में नहीं दे सकता, ये अजीब बात है। जबकि नमाज तो इबादत है और इबादत में कयास नहीं चलता है, वहां तो हमें अरबी में ही पढ़ना चाहिए, और मिंबर पर जो खुतबा हो रहा है खुतबे का मकसद है आवाम को समझाना, तो जो तरीका है हदीस के आया है वो बिल्कुल सही तरीका है कि हम शुरू और आखिर में अरबी में भी खुतबा देते हैं जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, और बीच में हम उर्दू में पूरी तकरीर करते हैं ताकि जो खुतबे का असल मकसद है आवाम को दीन समझाना वो मकसद भी पूरा हो जाए। तो इस तरीके से मिंबर के ऊपर ही अरबी में खुतबा और उर्दू में तकरीर करनी चाहिए, यही सही है, कि जो नीचे हट करके अलग से उर्दू में तकरीर करते हैं ये मुनासिब नहीं है। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है दीन से हमारे दूर होने के असबाब पर, हम उम्मीद करते हैं कि हम अपनी इस्लाह की कोशिश करेंगे और ये जो असबाब बयान किए गए हैं इन असबाब को हम अपने अंदर से दूर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमाए, रब्बुल आलमीन हमारे वो नौजवान भाई जो किसी भी किस्म के नशे में किसी भी किस्म की बुरी लत में गिरफ्तार हैं, अल्लाह उन नौजवान भाइयों की इस्लाह फरमाए, उनको अपने नशे से अल्लाह ताला नजात अता फरमाए। हमारे वो नौजवान भाई जो मोबाइल को देख करके किसी गंदी आदत के शिकार हो गए हैं, अल्लाह उस गंदी आदत से जल्द तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे वो नौजवान भाई जो किसी किस्म के हराम रिलेशनशिप में चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो पड़े हैं, अल्लाह उनको इस गलत काम से दूर रखे। और मैं गार्जियन हजरात से भी कहना चाहूंगा, लड़कियों की शादी की उम्र हो जाए, लड़कों की शादी की उम्र हो जाए तो एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी मुमकिन हो उनकी शादी करें। ये सहाबा का दौर नहीं है, ये नबी का दौर नहीं है, ये 2023 चल रहा है, ये मोबाइल का दौर है, ये इंटरनेट का दौर है, ये हराम रिश्तों का दौर है, ये फितनों का दौर है। इस दौर में अपने लड़कों और लड़कियों को फितने से बचाना है तो हमें निकाह को आसान करना पड़ेगा, सिंपल तरीके से सुन्नत तरीके से आप जितना जल्दी मुमकिन हो लड़का लड़की शादी के काबिल हो जाए उनकी शादी कर दें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे वो नौजवान भाई जो शादी के काबिल है, हमारी वो नौजवान बहनें जो शादी की उम्र को पहुंच चुकी हैं, अल्लाह उनकी शादी के मामले को आसान कर दे, अल्लाह उनके गार्जियन को सुन्नत के तरीके पर उनकी शादी करने की तौफीक अता फरमाए। और जो जहेज के लालची हैं, जो जहेज के चक्कर में अपनी लड़के की शादी को रोके हुए हैं, अल्लाह ताला ऐसे वालिदैन को सही समझ अता फरमाए और जहेज के बगैर सुन्नत तरीके से शरीयत के तरीके से उनको अपने बच्चों की शादी करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे फलस्तीन के मजलूम भाइयों की भी मदद फरमाए, रब्बुल आलमीन उनके खून को रायगा ना होने दे, वो अपने हक के लिए अपनी जमीन के लिए अपने वतन के लिए और मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमाए, रब्बुल आलमीन उन पर जुल्म करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाए, अल्लाह हमारे मुल्क की हमारे वतन की भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे मुल्क को जालिमों के जुल्म से शरीरों के शर से फिरका परस्तों की फिरका परस्ती से महफूज रखे, रब्बुल आलमीन हमारे उलमा की भी हिफाजत फरमाए, हमारे तमाम उलमा और मुकर्ररीन जो दीन का काम कर रहे हैं जो किताब सुन्नत की रोशनी को फैला रहे हैं, अल्लाह उनको हर शर से हर बुरी साजिश से हर मक्कारी से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, रब्बुल आलमीन हमें अपने दीन का काम करने की तौफीक दे जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो, आमीन। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته।